अब तो ये खैर आर्मी में भर्ती हो गया है तब हमको पूछ भी नहीं रहा। इधर तो देखो और सी बार बार चाय बना रही है। हाँ मुझे चाय चाहिए ना। हाँ हमें बार बार कितनी बार एक रात दो पी एक सुबह में पी। तो मौसी चलो, मौसी लगी है फोन पे। मौसी कुछ काम धाम नहीं कर रही, हमारी दराती मिलनी चाहिए भाई, नहीं तो मम्मी हमको भगा देगी घर से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के करीब 8 बज चुके हैं और हमारी तैयारी हो गई है परवाड़ी वाले घर में जाने की। और आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ है मेरी मौसी, वो कल आ गई थी हमारे यहाँ। तो चलते हैं मौसी के साथ। और आज मैं ना काफ़ी जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे अभी पापा को व्हाट्सएप पे मम्मी का आधार कार्ड सेंड करना है। पापा घर ही पे भूल गए मम्मी का आधार कार्ड। तो चलते हैं जल्दी जल्दी परवाड़ी वाले घर में। बरसात के टाइम पे हमारे घर के ठीक नीचे यहाँ पे ये खेत टूटा था हमारा, तो आजकल ये भी लग रहा है। इसको हमारे यहाँ पगार लगाना बोलते हैं, तो आजकल यहाँ पे पगार लगने का काम चल रहा है। और ये सामने आप देख सकते हैं घोड़े कचर भी लगे हैं अपने काम पे। और मेरी मौसी यहाँ पे मेरा वेट कर रही। मौसी चलो आप जल्दी जल्दी, मैं आ जाऊँगी। और यहाँ पे आप चौकम्बा स्कूल की छत में देख सकते हैं बंदरों का कितना आतंक मचा रखा है। तो मंजुना मार्केट में आके मुझे मिला मेरा फ्रेंड, हम दोनों ने साथ में 12th किया है। अब तो ये खैर आर्मी में भर्ती हो गया है तब हमको पूछ भी नहीं रहा। इधर तो देखो कैमरे सर मार आए बहुत, तो इसने एक बहुत बड़ी हेल्प कर दी। सुबह सुबह ना स्कूटी स्टार्ट नहीं होती है, तो इसने स्कूटी स्टार्ट करके दे दी। थैंक यू सो मच। क्या लाए तुम मेरे लिए? टॉफी लाया। तो यहाँ पे मैंने स्कूटी पार्क कर ली है और यहाँ पे मैं जाऊंगी फापन तक अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि वहीं से मुझे इस बोतल पे ना दूध लेके आना है। तो चलते हैं, पेट्रोल बच जाएगा हमारी स्कूटी का, जल्दी आ। ये मेरे को बोला कितनी चाल आ गए, तू अपनी स्कूटी साइड लगा रही है मेरी बाइक में जा रही थी। अभी मैं हूँ फापंज गांव में और फापंज गांव से देखिए चारों ओर के नज़ारे क्या गजब के दिखाई देते हैं। और सामने चौकम्बा पर्वत भी यहाँ से काफी खूबसूरत लग रहा है। बाय बाय। अभी मैं आ गई हूँ दूध लेके अपने घर पे और अब ये दूध को मौसी के पास देते हैं क्योंकि मौसी बार बार चाय बना रही है। हाँ मुझे चाय चाहिए ना। हाँ मैं बार बार कितनी बार एक रात दो पी एक सुबह में पी। मैं नहीं पीती हूँ ना, मैं बहुत कम पीती हूँ, इसलिए इसको ज्यादा लग रहा है कि ये ज्यादा चाय पी रही है। ये मौसी भी अभी करना, मौसी भी अभी छत में आ रखी थी वीडियो बनाने के लिए। तो मौसी के चैनल पर भी एक बार जरूर जाइए पुष्पा रावत ब्लॉग्स के नाम से और इनकी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया है और यहाँ पे मौसी एक बाल्टी लेके जा रही है पीने की, मेहमान को काम पे लगा दिया। और यहाँ पे मैं ले जाऊंगी एक और बाल्टी क्योंकि दिन में लंच यहीं बनेगा तो पानी चाहिए घर के लिए। और मैं ये दराती और ये रस्सी लेके भी जा रही हूँ क्योंकि आज घास भी निकालना है, काफ़ी टाइम बाद घास निकाल रही हूँ मैं। तो चलते हैं, पहले गाय को बाहर निकालते हैं गौशाला से, फिर चलते हैं घास के लिए। तो यहाँ पे ये जो रस्सी है ना, इसको पहले ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए पहाड़ों में क्या होता है कि जब भी कोई घास के लिए जाता है ना, तो रस्सी ऐसे हाथ पर पकड़ के नहीं ले जाता है, रस्सी को ऐसे कमर में बांध देते हैं ऐसे करके। ये देखिए अब मैं भी ऐसे ही बांधूंगी क्योंकि मुझे बाल्टी भी ले जानी है पानी की गौशाला तक, सर में वो भी। तो बाल्टी को बड़ी मुश्किल से लेके आई मैं गौशाला तक। आज भी देखिए पूरी हेयर स्टाइल खराब हो गई मेरी हे भगवान, हेयर स्टाइल की पड़ी हुई यहाँ आफत आ रही मेरे पे नहीं आ रही भाई आफत। ये गाय को पता नहीं इतनी जल्दी क्यों होती है बाहर आने की, इसने मेरा हाथ लगा दिया आज। हाय। तो यहाँ पे अभी गाय को बाहर निकाल के घास भी दे दिया है और गौशाला के अंदर की सफाई ना मैं बाद में करूंगी, पहले घास लेके आते हैं एक बार। तो मौसी चलो, मौसी लगी है फोन पे, मौसी कुछ काम धाम नहीं कर रही और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं जंगली मुर्गे काफी सारे हैं, यहाँ तो काफी सारे रहते हैं जंगली मुर्गे। अभी यहाँ पे हम तीनों जा रहे हैं और तीनों के हाथ में रस्सी और दराती है, मतलब तीनों घास के लिए जा रहे हैं।
मौसी तो ऐसे जा रही है, आज पता नहीं कितना घास लेके आएगी मौसी, पर देखते हैं अब मौसी कितना घास लेके आती है। रस्सी एक कमर पे है, एक हाथ में भी है। चाची के हाथ में भी रस्सी और दराती है। तो आज हमको घास निकालना है इन वाले खेतों से, यहाँ बीच में जो कदन्यार छूट रखा है उसको निकालना है। और यहाँ पे मेरे को एक अखरोट भी मिल गया, ये देखिए अखरोट। तो यहाँ पे देखिए हमको ये वाली घास निकालनी है, और ये वाली घास ना पूरी झुकी हुई है, तो अब इसको निकालना है। काफी टफ होगा ये वाला घास निकालना, और इस घास में ना काफी ज्यादा ओस हो रखी है, तो ओस की वजह से ना घास निकालने का मन ही नहीं कर रहा है, पूरी गीली गीली हो रखी। तो पहले देखते हैं उस साइड निकालते हैं घास, क्योंकि उस साइड ना धूप लग चुकी है। तो चले काम शुरू करते हैं। आप आज की गृहिणी हूं मैं। पहाड़ों में सुबह सुबह सभी महिलाओं का काम यही रहता है घास लाने का, क्योंकि जब तक घास न लाए ना तब तक उनका खाना नहीं पचता है। घास लाना भी जरूरी है गाय के लिए। तो यहाँ पे हमने खेत के बीच का जितना भी घास था ना वो निकाल दिया है, और यहाँ पे मौसी गठरी बना रही है घास की, मतलब जिसको हमारे यहाँ पूली बोलते हैं। हमारे यहाँ गठरी नहीं बोलते, पूली बोलते हैं। तो यहाँ पे मौसी पूली बांध रही है। अब इनको गौशाला की छत में ले जाएंगे और थोड़ा सुखाने के लिए रखेंगे, क्योंकि ओस की वजह से ना जैसे घास सड़ने को हो रही है और गीली हो रखी है। यहाँ पे हमारी छोटी छोटी भारी लग चुकी है, ये वाली ले जाऊंगी मैं और ये वाली ले जाएगी मौसी। और यहाँ पे मौसी ने दराती खोदी, हमारी दराती मिलनी चाहिए भाई, नहीं तो मम्मी हमको भगा देगी घर से। तो आज का घास लाने वाला काम भी निपट चुका है, और जब तक हम घास लेके आए ना यहाँ गौशाला की छत में, तो यहाँ पे प्यारी सी धूप आ चुकी है। अब थोड़ी देर बैठ के धूप सेकेंगे, क्योंकि वहाँ पे ठंड से हालत खराब हो रही थी, वहाँ पे अभी धूप नहीं लगी ना ढंग से। तो थोड़ी देर छत में बैठते हैं, और मेरा हाथ भी कट गया थोड़ा सा यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे गाय को पानी वगैरह पिला के घास भी दे दिया है, अब चलते हैं सीधे घर को। चलो मौसी। अभी शाम के करीब 5:30 हो गए हैं, और मौसी और मेरी तैयारी हो गई है नए वाले घर पे जाने की। और अभी मम्मी पापा भी आ सकते हैं, वो भी वहाँ से रास्ता लग गए थे, और भाई भी आ सकता है, उसकी चार धाम यात्रा कंप्लीट हो गई है। तो अब जल्दी जल्दी चलते हैं, आज खूब सारा खाना भी बनाना है। आज तो सारा खाना बनाना है। हाँ। अब वो भी हम दोनों की जिम्मेदारी है, हम दोनों की जिम्मेदारी है। तो चलते हैं जल्दी जल्दी नए वाले घर पे। तो यहाँ पे आपको ये काले काले दिखाई दे रहे हैं ना, इनको हमारे यहाँ कूड़ा बोलते हैं। और अब मैं इस कूड़े को ना मौसी पे चिपकाने वाली हूँ। मौसी ये मेरे पे कूड़ा चिपका दिया। तो अभी ना काफी ज्यादा लेट हो गई है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं नए वाले घर पे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।